फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हो? आई होप कि आप ठीक ही होंगे। तो देखो, आज सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो आपको पीछे ब्लैक बोर्ड में देख के समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें, हाल की जो परिस्थिति अपनी देश की है उसके अनुसार ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आज 3000 से ऊपर केसेस हो गए, जिसके अंदर 2800 से ज़्यादा केसेस एक्टिव है अभी भी, ठीक है, और 60 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और हाल ही में एक रिसर्च थी, जिस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस और कैम्ब्रिज के एक जॉइंट एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि अगर इस लॉकडाउन को 49 डेज के लिए अगर बढ़ा दिया जाए, ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये रिसर्च है चेन्नई मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है। इसके अनुसार अगर इसको बढ़ा दिया जाता है 49 डेज तक, तो हो सकता है कि 49 डेज के बाद जो धीरे धीरे है परिस्थिति काबू में आएगी और 50 से कम जो है मरीज रह सकते हैं एक्टिव केसेस। लेकिन अगर हाल में 14 अप्रैल को अगर ये ख़त्म कर दिया जाता है, तो पहले ये सडनली डाउन होगा और उसके बाद अचानक से 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन इसी चीज़ को लेकर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पास भी प्रस्ताव को भेजा गया है। इसको रिसर्च को करने वाले दो जने, इसमें राजेश सिंह और एक हैं आर अधिकारी, ठीक है ना, राजेश सिंह और आर अधिकारी, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पुष्टि किया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आगे के लिए या तो बढ़ाया जाए, या फिर तो इन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा कि 5 दिन का गैप दे के फिर वापस एक 28 दिन का लॉकडाउन, और फिर उसके बाद 5 दिन का गैप दे के फिर वापस वो उसको 18 दिन की लॉकडाउन कर सकते हैं, या फिर 28 से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। आई होप कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी सही लेगी, ठीक है। लेकिन जब तक अभी है 14 तक घर पर ही रहो और सेफ रहो। बाहर आना, घूमना, हो सकता है कि ये हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको किसने दिया था, फिर हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी इसके गुणधर्म के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, विस्तार, एक इलाका है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करता है, एक चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे किसी चार्ज, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज होगा ऐसे किसी के ऊपर वो फोर्स लगाता है। इसको हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक रीजन जो चार्ज का बन रहा था उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया थ्योरेटिकली, ठीक है ना, हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, एक तो है थ्योरी यानी कम्युनिकेटिव साउंड से, और दूसरा होता है एक विजुअल, है ना, एक ऑडियो होता है और एक विजुअल होता है। तो दूसरा होता है हमारा विजुअल, यानी कि उसको हम देख सकें। तो ऐसे ही एक विजुअल इमेजिनरी लाइंस को सबसे पहले ड्रॉ करने वाले या उसको बताने वाले कौन थे, वो थे माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने सबसे पहली बार कुछ ऐसे इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया चार्ज के आसपास में इर्द गिर्द, जो प्रेजेंट कर रहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा था। और ऐसे इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लिया गया, तो सपोज करो कि ये कोई एक चार्ज है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज के पास उन्होंने सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े लाइन ले लिए, ठीक है ना, फिर उसे थोड़ा छोटा, फिर उसे थोड़ा और छोटा, यानी कि बड़ा, छोटा, 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 उन्होंने इस तरह से ले लिया। और ये जो लाइन की जो लेंथ थी, ये लेंथ क्या कर रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इन लाइंस को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइन थे। तुम कैसे भी कितना भी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 डॉट किया है, तुम यहाँ पे एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज है, तुम यहाँ पे चाहे जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, तुम्हारे ऊपर ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो तुम चाहे तो 1, 10, 50, 100, 1000 जितना लाइन चाहे उतना ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग लाइन की जो लेंथ थी, ये लेंथ डिसाइड करता था कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो चार्ज के पास इसकी लेंथ बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, एकदम लंबी लंबी, और ये डिसाइड करता था कि उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा। जितना बड़ा लाइन उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस के साथ ही धीरे धीरे छोटा हो रहा था, क्योंकि हमने पढ़ा था ई प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही थी। ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट था। फिर टाइम गया, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, बहुत कुछ चेंजेस हुए, और उसमें एक चेंज ये आया कि जो लाइन जो था, लेंथ जो था, हमने तो कोई बुक में फिगर में देखा नहीं ऐसा कि ऐसे छोटे बड़े छोटे 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 लाइन्स ड्रॉ क्रिएट किए जा रहे हैं। हमने देखा सारे लाइन्स ऐसे हैं, कुछ सेम टू सेम एक ही बार में लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, है ना, ऐसे। तो वो इसलिए था क्योंकि उसके बाद चेंज हुआ और उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया गया लाइन के डेंसिटी के बेसिस पे। यानी जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितने ज़्यादा लाइन होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जितना डेंसिटी कम होगा, जितना कम होगा उतना कम क्या है उसकी, वेरी गुड, उतना कम क्या होगा उसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है ना, तो तुम देख सकते हो वहाँ पे चार्ज के पास में जो डेंसिटी है वे बहुत ज़्यादा है, है ना, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। अब मैं धीरे धीरे जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो बढ़ गया ना डिस्टेंस, तो ये डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जितना ज़्यादा मैं दूर जाऊँगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो फिर डिफाइन किया गया कि उसकी जो डेंसिटी है ना, फील्ड लाइन्स की डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। इस तरह से एक इमेजिनरी पार्ट आया, है ना, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द चार्ज और पॉइंट चार्ज, सच इमेजिनरी लाइन्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी विद्युत आवेश के आसपास में खींचे गए कौन से काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा गई। तो ये कैसा था, एक काल्पनिक रेखाएं थी। फिर कहा गया कि काल्पनिक रेखाएं कैसी होंगी, इसकी गुणधर्म क्या होगा, कैसी प्रॉपर्टी वाले होंगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो उसके आधार पर बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, आगे जैसे जैसे स्टडी हो रहा था, जैसे जैसे हम उसके बारे में पता चला था, ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हुए। ठीक है, तो हमारा मेन जो पार्ट है वो है, तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है समझ में आए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक रीजन था, इंटेंसिटी क्या थी, उसके अंदर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग पा रहा है, लाइन्स क्या है, तो लाइन्स का मतलब है किसी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द, यानी उसके आसपास में, उसके अराउंड इमेजिनरी लाइन्स को ड्रॉ करना, और ये इमेजिनरी लाइन्स जो प्रेजेंट कर रहे थे, क्या प्रेजेंट कर रहे थे, उसकी, वेरी गुड, उसकी इंटेंसिटी को प्रेजेंट कर पा रहे थे। और ऐसे इमेजिनरी लाइन्स को जो विजुअल था यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा ऐसा होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसा किया जाए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक मेथड लिया गया, जिन लाइन्स का हेल्प लिया गया, इन लाइन्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, ओके, तो अब ये फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, कुछ गुणधर्म था, है ना। तो वो गुणधर्म क्या था, तो देखो ओके, तो नेक्स्ट 4 नंबर है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो देखो अब सपोज करो कि अपने पास यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई एक सेकेंड चार्ज है नेगेटिव, और ये हो गया द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, अब जो फील्ड लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पॉजिटिव से, और कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, जाकर नेगेटिव पर, यानी यहाँ से आउटवर्ड हो गया, और ये हमने प्रेजेंट कर दिया कहाँ पर है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे पॉइंट पी पर
पॉइंट क्यू पर पॉइंट आर, पॉइंट एस, पॉइंट टी, पॉइंट यू, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉइंट पी पे डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। ये टेंजेंट मुझे क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। अब ये क्या शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ये क्या शो करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें क्या करेगा, उसके फोर्स को भी प्रेजेंट करेगा, है ना। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर जो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो वो पॉइंट हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींचा गया, किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शक क्या करता है, उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा यानी कि क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, यानी कि फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं का मतलब क्या है, कि अगर सपोज करो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज से, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज से, और सपोज करो कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट पर अगर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू अगर मैं ड्रॉ करूँगा, तो अगर पॉइंट पी और क्यू के अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो मुझे दिखा रहा है, क्योंकि हम टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये टेंजेंट शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो क्या है, डायरेक्शन है। दो फील्ड लाइन को मैंने कहा कि इंटरसेक्ट करते, सही बात है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है टू डिफरेंट डायरेक्शन को, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, और करेंगे तो उस पर खींचा गया स्पर्शक उसकी दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो संभव नहीं है, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रेजेंट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, क्लियर हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्स हमें कह रहा है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी अगर किसी जगह पे कहीं पे फील्ड लाइन ड्रॉ है, या किसी भी हम चार्ज की फील्ड लाइन्स की अगर बात करेंगे एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, तो उस चार्ज की जो फील्ड लाइन होगी वो उसमें उसकी टोटल चार्ज की मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल होगी। इसका सिंपल सा हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज करो तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू, ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है, ये क्यू है। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे पास सपोज थ्री क्यू है प्लस, अब इसकी फील्ड लाइन्स कितनी होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है ना। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्यू था, क्यू के लिए अगर फोर लाइन्स हैं तो थ्री क्यू के लिए कितना होगा, तो थ्री इंटू क्यू, यानी कि पहले फोर था तो फोर थ्री था ट्वेल्व, फोर सिक्स एट टू टेन टू इलेवन ट्वेल्व, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी क्या होगी, अपने आप ही ऐसे ही इंक्रीज होएगा। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा,
या फिर तो मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट पर ओरिजिनेट होते हैं या जिस सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं उस सरफेस के ऊपर या उस पॉइंट पर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, चलो देखो थोड़ा ड्रॉप करते हैं क्योंकि अपने पास प्लेस नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे है ना। तो देखो नेक्स्ट है 7 नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज और सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, हमेशा जिस चार्ज से ओरिजिनेट होता है या जिस चार्ज पे से वो अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर हमेशा क्या होता है या उस कंडक्टर पे हमेशा कैसा का सपोज, क्योंकि दो कंडीशन है, अगर सपोज ये वायर ही कंडक्टर है तो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। अब इस पे मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की नहीं बात करूँगा, मैं अभी ये पूरा चार्ज बॉडी हो गया, तो मैं एक चार्ज बॉडी लूँ या फिर मैं एक सिंगल चार्ज लूँ, तो ऐसे दोनों कंडीशन के लिए क्या होता है, जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पर हमेशा कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा। अब देखते हैं हम इसको, सपोज ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ये उसका बॉडी हो गया, सरफेस हो गया चार्ज का, तो इस पर ये होगा, ये होगा है ना, सिमेट्रिक है तो हम ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये है, ये सब है, कैसा नहीं है। अब सपोज ये एक बॉडी है तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है साफ साफ ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता इस पॉइंट पे, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वो वहाँ पे हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी सपोज करो ये कंडक्टर है कोई, तो इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, है ना, ये सपोज एक कोई कंडक्टर है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, है ना, तो ये होगा। तो कोई भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम हमेशा कैसे प्रेजेंट, किसी सरफेस से अगर प्रोड्यूस हो रहा है, किसी कंडक्टर में से प्रोड्यूस हो रहा है, किसी चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फील्ड लाइंस हमेशा कैसे होने चाहिए, उस कंडक्टर या उस सरफेस से परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है, वो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, वो जो फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा अपने जहाँ पे और जो लाइन जॉइनिंग है उस लाइन जॉइनिंग के हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, मीन्स ये जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कैसे होता है, सिमेट्रिक होगा, जो लाइन जॉइन किया हुआ है ना उसमें कैसे होंगे, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारा क्या था, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं। फील्ड लाइंस क्या हैं, तो फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है ना, फील्ड लाइंस क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसको सबसे पहली बार किसने इमेजिन किया था, तो वो थे फैराडे। इनिशियली फील्ड लाइंस कैसे होते थे, जो फील्ड लाइंस की लेंथ होती थी वो लेंथ डिसाइड करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता था इनकी लेंथ को भी हम धीरे धीरे डिक्रीज करते आते थे, और वो डिक्रीज लेंथ छोटे छोटे लाइन जो है वो शो करते थे, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को यानी कि तीव्रता को दिखा रहे थे, ठीक है। फिर टाइम गया, फिर कहा गया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होंगे वो शो करेगा उसकी इंटेंसिटी को, यानी फील्ड लाइन की जो डेंसिटी थी, जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स उसकी फील्ड की इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा, ये माना गया, ठीक है। इस तरह से फिर कहा गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करने का एक तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज से उसको दिखाया गया आउटवर्ड और नेगेटिव से दिखाया गया इनवर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है।
तो फिर उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने शो किया, यानी उसको कैटराइज किया गया, यानी उसको उसके गुणधर्म के आधार पर बहुत सारे पॉइंट्स को लिए गए। पहला क्या था, तो पहला हमने क्या कहा इसमें, हमारा पहला पॉइंट था इसमें क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगे पॉजिटिव से और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे, कहाँ जाके ख़त्म होंगे, तो वो नेगेटिव पे जाएगा, यानी शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव से, प्रवेश करेंगे नेगेटिव में, लेकिन ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आएगा नहीं, यानी ये बंद लूप का निर्माण करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल चार्ज ही फील्ड लाइन को प्रोड्यूस करेगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ तक होगी, तो हमने अगला कहा कि ये फील्ड लाइन से कोई खत्म अंत बिंदु नहीं है, ये कहीं तक भी अनंत इसकी रेखाएं चलती हैं। तो पहला हमारा क्या था, तो ये पॉजिटिव से शुरू होगा नेगेटिव तक जाएगा। सेकंड हमने कहा कि ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, फिर हमने कहा कि कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा फोर्थ पॉइंट कि इसका जो टेंजेंट है वो क्या शो करेगा, यानी फील्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया टेंजेंट जो है उसके डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा, यानी उसकी दिशा को दर्शाता है। फिर हमने समझा कि कैसे, फिर हमने कहा कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करते हैं, काटते ही नहीं है। क्यों? तो हमने कहा कि काटेगा तो ये ऊपर वाला इसको काट देगा, है ना, पूरा दोनों लड़ लेंगे अच्छे से। कैसे? अगर ये काटेगा तो यहाँ पे खींचा गया दो स्पर्शक है वो उसकी दो दिशा को दर्शाएगा, जो दो दिशा है इसके लिए संभव नहीं है। फिर हमने कहा कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नेट ऑफ चार्ज, यानी कि इसकी जो घनत्व है फील्ड लाइन्स की, इतना ज़्यादा संख्या होगा उतने ज़्यादा चार्ज को वो दिखाएगा। यानी अगर एक चार्ज के लिए हमने कहा कि अगर प्लस क्यू के लिए चार लाइन है तो थ्री क्यू के लिए कितना होगा, तो उसका तीन गुना वो चार्ज है क्योंकि वो उसके प्रोपोर्शनल है, तो ये भी तीन गुना होगा। अगर दो है तो दो गुना हो जाता, आठ हो जाता, चार है तो 16 हो जाता, है ना, इस तरह से। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज और कंडक्टर, किसी भी चार्ज या कंडक्टर के सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है। ओके, ये था हमारे क्या कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स। अब इसमें कुछ सिंपल सिंपल से तरीके होते हैं। देखो, अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, अब सपोज करो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है टू क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू है माइनस टू क्यू है। तो अभी अभी हमने क्या कहा, तो अभी अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये, यानी कि ये पॉइंट, इसके अनुसार तो अगर सपोज कि यहाँ पे चार है तो यहाँ से ये चार लाइंस निकलेंगे और एक इसमें जाएंगे, है ना, चार लाइन है तो इसके पास तो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अंदर जा सकता है। तो ऐसे चलो देखो क्लियरली, हम थोड़ा सा ये प्लस क्यू के पास सपोज ये माइनस क्यू है, ये क्यू है प्लस और ये है टू क्यू माइनस में, तो ये हो गया उसका लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। अब अगर हम इसमें मैं ये ले लेता हूँ तो ये टू क्यू है तो माइनस टू क्यू है ना, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इससे डबल है, यानी इसका ऑब्वियसली कितना होगा, ये होगा। अभी फील्ड लाइन्स कैसा होगा, एक ये एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो कितना हो गया, एक दो तीन और एक चार, तो बाकी के अभी तो चार बच्चा हुआ है। तो देखो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग प्लस क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना। और एक सिंगल चार्ज यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बाहर निकाल रहा था, चार, और माइनस क्यू है तो इसके मैग्नीट्यूड हुआ क्यू, यानी कितना होगा, चार लाइन्स होना चाहिए। यानी ये अगर सिंगल क्यू अगर चार लाइन को आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है तो एक सिंगल माइनस क्यू क्या करना चाहिए, चार लाइन को इनवर्ड दिखाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंगल चार्ज को ना लेके हम किसको कंसिडर करते हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्ज को, ये टू चार्ज पार्टिकल क्या है, सिस्टम है, और ऐसे सिस्टम के अंदर हम उस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे
और उस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसमें कितने चार्ज हैं। हम इसको क्लियरली, मैंने ऐसे रफली बताया है, हम इसको क्लियरली जो हमारा, जैसे मैंने हर एक थ्योरी सेशन के बाद हमारा न्यूमेरिकल सेशन चलता है, तो हम उस न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे IMP क्वेश्चंस हम देखेंगे जो तुम्हें JEE नीट के अंदर भी हेल्प करेगा और तुम्हें किसी भी तरह के बोर्ड एग्जाम में तो करेगा ही। और एक चीज़ क्लियर, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा जो सारे टॉपिक्स हैं वो बोर्ड बेसिस है, ठीक है। JEE और नीट में आपको ये हेल्प कर सकता है, लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको ये 100% हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन ये 100% आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर पे ही रहिए, जितना ज़्यादा हम घर पे रहेंगे इतना ज़्यादा हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। वो सोशल डिस्टेंस ही है जो हमें कोरोना से लड़ा सकता है या लड़ने के लिए हमें हेल्प कर सकता है, हम उस कोरोना से बच के रहेंगे। अगर हम COVID-19 वायरस को, यानी कोरोना वायरस को अगर हम छोटा समझेंगे और हम अपने आप को ज़्यादा समझेंगे, तो अगर हम एक मंत्र लेके गो कोरोना गो वाला, तो उससे एक ही चीज़ होगा कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसका अंदाजा लगा सकते हो, पहले एक, फिर दो, फिर चार, फिर दस, फिर बीस, और अब हजारों में आ चुका है। अगर ये सोशल डिस्टेंस को तुमने मेंटेन नहीं किया, एक दूसरे से दूर नहीं रहे और बहुत ज़्यादा गैदर्ड होने लगे, बहुत इकट्ठा होने लगे, तो हर कोई तो अपना काम कर रहा है, तंत्र अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है ना, उसमें से अधिकतर लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये सब अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते हैं। तो आपसे मेरी एक ही अपील है, एक ही विनती है, प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें जितना हो सके, और कम से कम इकट्ठा हो, इकट्ठा जहाँ तक लगे नहीं कि बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से समय में ज़रूरी होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।